साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप सिंध में आए और हमारे हमने आपको रिक्वेस्ट किया और सिंध सूफी मोमेंट जो पेपर आपने पढ़ा बड़ा आदमी को पसंद आया। ओवरऑल आपका व्यूज़ क्या है? सिंध घूमे हैं, लतीफ़ साहब भी चले हैं, काफ़ी आदमी से मिले हैं, अभी हम बैठे हैं सेंटर में, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए कि आपने और सिंध सूफ़ी मूवमेंट के दोस्तों ने मुझे ये मौका देके कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ दानश्वरों से, अदीबों से, टीचर से और दूसरे दोस्तों से मिलूँ, ये बहुत मुझे इज़्ज़त भी दी आपने और एक ऐसा मौका भी दिया कि जिसमें मैं बहुत सी बातें सीख सकता था, देख सकता था और वो मैंने देखी भी और सुनी भी। ये बात के सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशियन रीजन में सबसे पहले सिंध के दानश्वरों ने आज के ज़माने में तसव्वुफ़ की जो सिग्निफिकेंस है और उसका जो रोल हो सकता है इंसानों को और पूरी दुनिया को एक सुख का, एक इस्तेहकाम का मौका देने और मिलजुल कर रहने की दर्स देने का, तो ये एहसास सबसे पहले उन्होंने किया और इसके पीछे उनकी तारीख है, उनकी हिस्ट्री है और उनकी सकाफत है। वो वही जान सकते थे कि आज के इंसान को और आज के माशरों को और आज की कौमों को जो मसाइल दरपेश हैं, ख़ास तौर पे इंतहा पसंदी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, बेतमनानी के हवाले से और सबसे ज़्यादा ये कि फ़र्द के अंदर की जो दुनिया में एक तूफ़ान है उसको थामने, उसको रोकने और उसको एतदाल पे रहने में तसव्वुफ का जो रोल है वो बहुत अहम है और बिलाशुबा वो आपकी काविशों ने उस काम को आगे बढ़ाया, मजबूत किया और दूसरों को भी एहसास दिलाया कि हमारे पास एक एंटीडोट मौजूद है, एक तरियाक मौजूद है इस दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का, तो क्यों ना हम उसको इस्तेमाल करें, उसको प्रूव कार्ड लाएँ और उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर करें। ये कॉन्फ्रेंस मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हर लिहाज से कामयाब थी। एक तो उसका अपना हुसन था, उसमें सूफियाना म्यूज़िक भी था, उसमें बहुत से जो पेचीदा मसाइल होते हैं कई साहबान ने उसके बारे में भी गुफ्तगू की और एक माइम जो है वो बहुत ही मीनिंगफुल इस सब कॉन्फ्रेंस के मकासद को आगे ले जाने वाला और उसको लोगों तक कम्युनिकेट करने वाला वो माइम जो था वो भी पेश किया। इसके मेहरान यूनिवर्सिटी का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आर्ट एंड डिज़ाइनिंग का, उसके नौजवानों ने, तालिब इल्मों ने। ये कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से भी कामयाब थी कि डिसिप्लिन थी, लोग जो थे ना सिर्फ ये कि हाल तमाम सीटें जो हैं वो पूर हो चुकी थीं, बल्कि उनमें कई तबके मौजूद थे, स्टूडेंट्स थे, आम लोग भी, उनको भी नहीं रोका गया, वो आए, वो शामिल हुए। फिर बाज़ अदीब थे, शायर थे, मौसीकार थे, यूनिवर्सिटी टीचर्स थे जो कि आम तौर पे इस किस्म के जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं उनसे ज़रा अलग रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद थे। और एक और तबका बंदी यूँ देखिए, नौजवान भी थे, बुज़ुर्ग भी थे और लेडीज़ थी, ख़वातीन थी, और ये सब उसको बहुत दिलचस्पी से सब कुछ जो है वो देख रहे थे। आपने चूँकि एक रिसाला भी कॉन्फ्रेंस के हवाले से इशू किया, वेबसाइट पे भी इसको आप सब कुछ पेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मौसर और जो ट्रेडिशनल भी और जो नए भी वसाइल हैं कम्युनिकेशन के, उनके ज़रिए ये बात जो है वो दूसरों तक फैलेगी। फिर जो आपसे गुफ्तगू में हुई और आप जो आपके प्लान्स हैं, यही दुआ की जा सकती है तमाम इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, इस मुल्क में एक इस्तेहकाम के लिए, अमन के लिए, वो जो मंसूबे हैं आपके वो बहुत ही बामानी और बहुत ही खूबसूरत हैं और बसीरत अंगेज जो हैं वो भी हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अलावा मुझे
हैदराबाद में और यहाँ जामशोरम में भी कई ऐसे साहबान से मिलने का मौका मिला कि जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन उनका नाम सुना था और उनसे मिलने की ख्वाहिश जो है वो मौजूद थी। और मिसाल के तौर पे वो हमारे जो चांसलर हैं काजी असद साहब, वो जी जी इसरा यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, वो सिंध की बहुत ही मुमताज़ इल्मी शख्सियत हैं और अपने बैकग्राउंड के हवाले से भी पूरे पाकिस्तान में वो पहचाने भी जाते हैं। तो उनकी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, उनके साथ बैठने, उनसे बातें करने का, उनसे सीखने का मौका जो है वो भी मिला। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ पुराने दोस्तों के साथ भी मुलाकात हुई, ख़ास तौर पे जोयो साहब जो हैं, मोहम्मद इब्राहिम जोयो, जो अब 96 साल के हैं और इंशाल्लाह 4 साल के बाद वो अपनी सदी जब पूरी करेंगे तो वो हम सब को इकट्ठा होने का मौका जो है वो मिलेगा। उनसे मुलाकात हुई और देख मैंने देखा कि वो बहुत खुशबाश हैं, अपना तख्लीकी काम जो है वो अभी तक शुरू किए हुए हैं और ये कि उनके अजाइम में इस वक्त इतना वक्त गुजरने के बावजूद उसमें कोई कमी नहीं आ रही, वो अपनी जगह पे वो उसको आगे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा रसूल बख्श प्रिजो साहब हैं, उनसे बहुत मेरे पुराने ताल्लुकात, उनकी खिदमत में हाज़िर होने का और पाकिस्तान की भी, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी, सिंध के हवाले से भी और बैनुल्कवाबी जो सूरत हाल है वो सोचने वाले सियासतदान हैं, उन्होंने इन मौजूद पर जो है वो गुफ्तगू की। ताज जोयल साहब हैं और नेशनल सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी जाने का भी मुझे मौका मिला, वहाँ कई दोस्तों से मुलाकात हुई और वो मैंने उनके तबादले ख्याल का एक मौका, जो नादर मौका कहना चाहिए, वो मुझे हासिल हुआ। इसके इन बातों के अलावा मुझे ज़िंदगी में बाज़ ऐसे वाक़यात जो पहली दफ़ा, मिसाल के तौर पे परसों हम जब कल रात जम गए हुए थे और वो एक अवामी डेरा था इसका तसव्वुफ का, जिसमें म्यूज़िक भी था और जिसमें तकरीबन 150 के करीब लोग वो शामिल थे और वो मुख्तलिफ जो अवामी तबकात हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे और दानिश्वर भी मौजूद थे। और मैंने उसमें जो ख़ास बात मैंने देखी कि किस तरीके से सिंध की जो सब कुछ जज़्ब कर लेने वाली जो सकाफत है, वो सकाफत जो अपना दामन कुशादा रखती है और वो अपने दूसरों के असरात जो हैं उनमें वो जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, पॉजिटिव अनासर हैं, उनको जज़्ब करने की एक नादर किस्म की सलाहियत रखती है, उसको भी मैंने देखा। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि वहाँ पे जो म्यूज़िक का प्रोग्राम था, काफ़ियाँ गाई जा रही थी, उनका दायरा कितना वसी था, उसमें ज़ाहिर है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई के जो काफ़ियाँ वो शामिल थीं, उसमें सचल सरमस्त की जो हैं काफ़ियाँ वो मौजूद थीं, दूसरे सिंधी शायर जो हैं उनका कलाम भी शामिल था, लेकिन वो दायरा सिंध या सिंधी ज़ुबान तक महदूद नहीं था। उसमें बुल्ले शाह की कापियाँ भी थीं, उसमें हज़रत ख्वाजा फरीद का कलाम जो है वो था और उसके अलावा जिसका हमारे यहाँ रवाज बहुत ही कम हो गया, बाबा कबीर की कापियाँ जो हैं वो भी थीं। गोया वो 4 ज़बानों में वो प्रोग्राम पेश हो रहा था, सिंधी में, सराइकी में और उर्दू ज़बान में उसमें मौजूद था, फारसी कलाम भी बल्कि उसमें जो है वो गाया गया। और बाबा कबीर के हवाले से आप कह सकते हैं कि हिंदी जो कलाम है वो भी उसमें और पंजाबी कलाम बाबा बुल्ले शाह के हवाले से। तो ये एक छोटा वाक्या बज़ाहिर आप देखें कि एक आदमी जाता है और वो वहाँ पे 100 मिनट या 110 मिनट बैठता है और वो अवामी इज्तिमा है जो पहले से अरेंज नहीं किया गया और वो स्पॉन्टेनियस एक प्रोग्राम है, लेकिन उसमें वैरायटी जो है वो आपको बताएगी कि सिंधी जहन में और सिंधी समाज में किस कदर वसत है।
दुनिया में कोई अवामी इज्तिमा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें चार पांच जबानें और उनके जो अदब है उसके जो शाहकार हैं वो इकट्ठे जो है वो कर दिए गए हों। तो वो बहुत ही एक तालीम देने वाला एजुकेटिव जो एक एक्सपीरियंस था। फिर इस क़याम के दौरान हमें वो दरगाह शरीफ जाने का मौका मिला। वो हमारे जो दोस्त हैं मुनीर शाह साहब, सैयद मुनीर शाह साहब, उन्होंने मेहरबानी की और दावत दी और वहाँ हम सब लोग जो हैं वो वहाँ पे मिल के गए। वो भी एक अपनी नौइयत का सिंधी जो सूफियाना सकाफत है और मजलसी ज़िंदगी है सिंध की, उसकी अक्कासी करते हैं कि इस मौसम में जब हल्की सी ठंड है तो रात के वक़्त लकड़ियाँ का अलाव जलाया गया, उसके गिर्द हम सब लोग बैठे, वहाँ मजलस भी हुई यानी गपशप हुई मुख्तलिफ मौजूद पर, अपनी दिलचस्पी के मौजूद पे, और खाना भी सब लोगों ने मिल के खाया, वहीं पे था। और ये मैंने देखा और सुना तो बहुत था पहले, देखने के मौके एक आदि मिले ज़िंदगी में कि अगरचे वो दरगाह है जी, एक रवायती खानका है, लेकिन उसके साथ दो और बातें हैं जो बाकी जो इलाके में, मिसाल के तौर पे मैं जहाँ पंजाब से आया हूँ वहाँ ये ट्रेडिशन नहीं कभी होगी शायद, कि उस दरगाह के साथ एक लाइब्रेरी है जी, और वो साफ़ सुथरी लाइब्रेरी है, उसके दरवाजे दोस्तों के लिए, दिलचस्पी लेने वालों के लिए खुले। एक छोटा सा वहाँ पे मुसाफिर खाना भी है, वो लोग जो बाहर से आए, दूर दराज से आए, वो आके वहाँ पे ठहर सकते हैं, लंगर वहाँ पे मौजूद है। गोया वो खानका जो है वो अब भी आज भी सिंध की जो सोशल लाइफ है उसमें एक अहम रोल जो है वो उसमें अदा करती है। शाह लतीफ़ भटाई के मज़ार पे हाज़िरी देने का मौका मिला और देखा कि कैसे सभी इलाकों से, सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों से और बाहर से भी, वहाँ पे लोग, औरतें, बच्चे अपने रंग बरंग के लिबास पहने, अपनी रंग रंग की बोलियाँ बोलते, लेकिन दिल में एक ही उमंग और दिल में एक ही ख्वाहिश लिए कि किसी तरीके से एक अच्छे दिन जो हैं वो ज़िंदगी में लौट आए। वो वहाँ पे आए, उनके चेहरों पे जहाँ पे एक दर्द की और एक महरूमी की जो छाप थी वो थी, लेकिन उसके साथ एक उम्मीद की और एक ज़िंदगी की जो अलामतें वो भी थी कि अब जब हम दरबार में पहुंच गए हैं शाह लतीफ़ के, तो यकीनन हमें जो एक सुख है और जो हमारी ख्वाहिशें आरजुएँ हैं वो पूरी होंगी। एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का और एजुकेटिव जो तजर्बा है वो इस यूनिवर्सिटी का जो शोबा है, ख़ास शोबा जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्ट एंड डिज़ाइन, वहाँ आके हासिल हुआ। पहली बात तो मैं ये कह दूँ जो सबसे ज़्यादा इस मौजूदा सूरत हाल में जो जेन को स्ट्राइक करती है कि इस वक्त जबकि सिंध की यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं और सिंध यूनिवर्सिटी को बंद हुए आप कहिए कि 6 हफ्ते गुजर गए, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हैं, तालिब इलम और स्टाफ के भी अक्सर कान अपने घरों को या देहातों को या शहरों को चले गए और वो वीरान पड़ी बगैर किसी ख़ास और बहुत ही कोई किसी अहम किस्म के मसले के। एक एहतजाज जो है वो जारी है जो ये जाहिर करता है कि हम लोग किस तरीके से अपने एजुकेशन का जो प्रोसेस है और अपनी यूनिवर्सिटियाँ जो किसी समाज का एक मुकद्दस मुकाम होती हैं, उनका जो एहतराम होता है वो हम उन सबको फौरन ही त्याग देते हैं और अपनी मनमर्जी पे उतर आते हैं। ये मेहरान यूनिवर्सिटी भी जब मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ तो वो बंद थी, लेकिन जहाँ बाकी उसके शोबे जो हैं वो सुनने पा रहे थे और चंद लोग स्टाफ के नज़र आ रहे थे, वहाँ एक ऐसा शोबा भी है कि जिसमें हर किस्म का काम, तदरीस का भी और टीचिंग का काम भी, सीखने का भी, वो अपनी पूरी जोलानियों पे था। और वो ये डिपार्टमेंट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट के लिए और डिज़ाइनिंग के लिए। यहाँ ये वाक्या कि वो वहाँ पे ज़िंदगी अपनी तमाम हरारत के साथ मौजूद है, ये उसके जो सरबरा हैं इदारे के डॉक्टर बाई खान साहब, वो एक तो उनकी जो इंतज़ामी सलाहियतें हैं,
एक तो उसको जाहिर करता है, लेकिन ये मैज इंतजामी मामला नहीं। जब आप 500-600 स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के एक शोबे के आप आमादा करते हैं कि वो आएं और अपनी तालीम जो उनका मकसद है उसको कंटिन्यू रखें, जबकि बाकी तमाम इदारे जो बंद हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने उन अपने हुक्म के ज़रिए या कागज़ पर लिख के कि जनाब ये शोबा खुला रहेगा, ये कामयाबी हासिल नहीं की। यह कामयाबी उन्होंने दिलों को जीत के की है। ये ऐसी कामयाबी है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये सीखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए डॉक्टर साहब के जनाब आपके पास कौन सा जादू है जिसके ये हम असरात जो हैं वो देख रहे हैं। आर्ट का चूँकि इदारा है और जैसे कि तवक्को होनी चाहिए तालिबे इलम अपने देखने में, अपने लबास में, अपनी गुफ्तगू के अंदाज़ में, बैठने उठने में वैसे ही थे जैसे कि आर्ट के तालिब इल्मों को होना चाहिए। और ये भी एक कामयाबी है कि उनको ऐसा माहौल दिया गया कि वो जिसमें अपनी जो एक्सप्रेशन है सेल्फ एक्सप्रेशन उसको वो आज़ादी के साथ खौफ के किसी या किसी बैरूनी रुकावट के बगैर वो उसको एक्सप्रेस कर सकें। मैंने ये देखा कि उनके साथ डॉक्टर साहब के साथ जब हमारे साथ सिंध सूफी मूवमेंट के कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम पनौर साहब थे और उनकी रहनुमाई में जब हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते थे तो वो देखते थे कि वो स्टूडेंट भी और स्टाफ के मेंबर्स भी वो उनको देख के अपने डायरेक्टर को देख के किसी परेशानी में या किसी किस्म के खौफ के उनका कोई साया उन पर नहीं आता था। नेचुरली एक अब्रप्टली एक मुस्कराहट जो है वो उनके चेहरे पे आ जाती थी। इसके स्टाफ में ऐसे लोग शामिल हैं, ऐसे टीचर्स शामिल हैं कि जिनकी जो शोहरत है वो शोबे के या यूनिवर्सिटी के हदूद तक नहीं बल्कि वो उससे बाहर निकली, बाहर तक फैली हुई है। और बिलाशुबा इस वक्त चूँकि वो जवान हैं और ज़िंदगी के इस मरहले से गुज़र रहे हैं तो वक्त के साथ हम तवक्को कर सकते हैं कि वो अपना नाम जो है आर्ट की दुनिया में, पूरी दुनिया में जो आर्ट का मंजर है उसमें वो अपने निशान जो हैं वो सुबत करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि कैसे सिंध की जो अजीम विरासत है उसको मॉडर्नाइज करके आज के हवाले से करके जो हम उसको पेश कर रहे हैं। डॉक्टर इब्राहिम पनौर साहब का अपना जो शोबा है वो मैंने जैसे अर्ज़ किया वो कि सिंध सूफी मूवमेंट के कन्वीनर हैं तो ये तसव्वुफ से बिल्कुल ही कोई ताल्लुक ना रखने वाला शोबा है उनका और वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन अब उन्होंने अपनी जो सलाहियतें हैं, अपना जो इलम है और अपनी जो वक्त है उनके पास वो सब वसाइल भी वो इस मूवमेंट के लिए वक्फ किए। क्यों? वो इसलिए कि एक दूसरे इंसानों की, अपने समाज की बल्कि दुनिया आलमी समाज की फलाह बहबूद के लिए वो अपना रोल अदा करने की ख्वाहिश जो है वो उनको इस शोबे की तरफ, इस मामले की तरफ ले आई। सिंध सूफी मूवमेंट ने एक रसाला भी शुरू किया सूफी लाकूफी के नाम से, उसका पहला इशू जो है वो छप चुका है और मुझे उम्मीद है कि बहुत से दोस्तों के हाथों तक पहुँच चुका होगा। वो इस इशाती जो मंसूबा है उसको कंटिन्यू करने और उसको फॉर्मल सूरत देने यानी क्वार्टरली की सूरत में, एक सहमाही रसाले की सूरत में वो उसको सामने ला रहे हैं। वेबसाइट भी उन्होंने कायम कर दी, दूसरी पब्लिकेशंस का भी उनके पास प्रोग्राम है। एक दोस्त ने उनको कुछ किताया राजी जो है वो भी दे दिया यूनिवर्सिटी के नज़दीक जहाँ पे वो अपने फ्यूचर में प्लानिंग कर सकेंगे और ऐसा सेंटर कायम कर सकेंगे कि जिससे निकलने वाली रोशनी की शुआएँ इस खत्ते को और उससे आगे तक जो है वो रोशनी फैलाएगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आइंदा जब अल्लाह ताला ने कभी मौका दिया यहाँ आने का तो ये काम उससे कहीं आगे जा चुका होगा कि जहाँ वो इस वक्त मौजूद है। अपने गुलाम रसूल चांडियो साहब जो
सिंध सूफी मूवमेंट के सेक्रेटरी हैं, आप सबसे पहले उनसे ही मेरा रابطہ हुआ था और मेरा ख्याल था कि भाई वो शायद बहुत ही कुछ सूफी किस्म के और ज़िंदगी से कुछ कट के रहने वाली शख्सियत होंगे। और लेकिन जब मैं उनसे मिलने का मुझे एजाज़ मिला, मौका मिला, तो मैंने देखा कि वो बहुत ही खुशबाश जिंदा दिल, लेकिन इसके साथ साथ जो अहम बात है इस मौजूदा पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो तसव्वुफ़ को और ख़ास तौर पे अपने लोगों में, यहाँ के गिर्दोपेश के लोगों की ज़िंदगी में तसव्वुफ़ का जो रोल है उसको वो कितनी नज़दीकी से और कितनी गहराई से वो समझते हैं। मैं जो बात मैं नहीं कह सका पहले, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं कहूँ कि मैं इन दोस्तों का, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम पहनौर साहब का, डॉक्टर भाई खान साहब का और ग़ुलाम रसूल चांडियो साहब का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और ये जो उन्होंने मुझे कहा कि भई अब तुम इस मूवमेंट के पार्ट हो, तो ये तो मेरे पहले दिन से मेरे दिल में ख्वाहिश थी और मैं कह रहा था कि चाहे ना ही पसंद किया जाए ये कहना, अपनी ज़बान से कहना, लेकिन किसी न किसी मौके पे मैं डॉक्टर पहनौर साहब की खिदमत में ये बात अर्ज कर दूँगा। मगर वो इतने मेहरबान और इतने दोस्त परवर हैं कि उन्होंने आज खुद ही मुझसे कहा। और ये 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 एक और वो कहते ना अंग्रेज़ी मुहावरे में कि टोपी में एक और लग जाना पर का एक और निशान है, जो एहतराम है, इज़्ज़त है, वो लग जाना, तो मैं इसको यही समझता हूँ। बड़ी मेहरबानी काजी जावेद साहब। मैं थोड़ा बताता चलूँ कि काजी जावेद साहब जो हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है कि हमारी छोटी गुजारिश पे लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे साथ तकरीबन 3 दिनों से हमारे साथ हैं। 11 फरवरी को आए थे और आज 14 फरवरी 2012 हैं, हमारे साथ हैं और अभी उनकी फ़्लाइट है, जा रहे हैं लाहौर। उनका मैं बताता चलूँ कि काजी साहब जो हैं वो इस वक्त डायरेक्टर हैं, वो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक कल्चर के डायरेक्टर हैं और उसके अलावा जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ इंटर रिलीजियस डायलॉग। बहुत ही अहम वो भी जमायत है, उनके वो जो है प्रेसिडेंट भी हैं। उनके अलावा काजी साहब के बहुत सारे जो कॉलम्स भी हैं इस वक्त द न्यूज़ में, उसके अलावा आथर हैं बहुत बुक्स के और काफ़ी जो किताब हैं उनके महाग लिखे हुए हैं। तो काजी साहब जो हैं उनका हमारे साथ जो टाइम गुज़रा, मैं तो समझता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी लर्निंग हुई। और जो हम गए यहाँ से शाह अब्दुल लतीफ़ की मज़ार से लेकर सकरण तक, मैं काजी साहब के साथ था और उसके बाद वापसी में हम साथ थे। जो हमने सीखा है, मैं समझता हूँ कि एक आय ओपनिंग थी कि उनके अंदर जो डेप्थ है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, और वो सारी चीज़ें जिसमें हम 24 घंटे रहते हैं लेकिन हम नोटिस नहीं लेते, तो काजी साहब ने वो चीज़ें जो है वो हमें जब बयान की बहुत ही जो है सलीस जुमलों में, तो हमारे लिए भी एक आई ओपनिंग थी, हमारे लिए एक बड़ा लर्निंग का मकाम था। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं काजी साहब आपके, और आइंदा भी हमें ये जो है उम्मीद है कि आइंदा भी काजी साहब के साथ जो है ऐसे मजालस होंगी। और डॉक्टर साहब ने अभी, डॉक्टर इब्राहिम पवार साहब ने एक बात जो है वो अभी बताई, रिक्वेस्ट की काजी साहब को कि आप हमारे सिंध सूफी मूवमेंट के मुस्तकिल मेंबर बन जाएं, और काजी साहब ने उस पर आमादगी जाहिर की। तो हम तो डॉक्टर इब्राहिम पवार के भी एहसान मंद हैं कि उन्होंने ये जो है इनविटेशन एक्सटेंड की और काजी साहब के भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो आइंदा इस हवाले से भी इंशाल्लाह हम काजी साहब से भी लर्निंग करते रहेंगे और इस हिसाब से मुलाकातें होती रहेंगी। तो बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी।